अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नादिर अली बाप दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ और इसी रिवीजन क्विक रिवीजन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ अबाउट द वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने जो सिलेबस कॉन्टेंट है वो शो करूँगा, रीड करूँगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आपके सिलेबस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा क्या क्या हुआ है, जिस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, तो टोटल वैसे तो ये चार पॉइंट हैं लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से ये तीन पॉइंट रह जाते हैं, तो मैं ये पहले सिलेबस आपके सामने रीड करूंगा, उसके बाद इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा क्विक ट्रैक के ऊपर, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें और अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स के अंदर उनको यूज कर सकें। तो सबसे पहला जो कॉन्टेंट लिखा हुआ है वहां पर वो है आइडेंटिफाई ऑन मैप। ये आउटलाइन मैप जो है आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा अभी, आइडेंटिफाई ऑन मैप द मंगला। ये नेम आपने याद रखना है, बाई नेम ये सिलेबस लिखा हुआ है, तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तीन चार चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करने आपको आनी चाहिए कि मैप के ऊपर वो कहां कहां पे हैं। आइडेंटिफाई ऑन मैप द मंगला, तरबेला एंड वारसक डैम। ये तीन डैम्स की लोकेशन मैप के ऊपर कहां पे है। अच्छा, वाटर सोर्स के अंदर तो ये इन्होंने तीन डैम लिखे हुए हैं, लेकिन टोपोग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं वहां पे हब और दाश रिवर जो है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हब डैम जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि हब डैम कहां पे है। एंड नेम टू एग्जाम्पल्स ऑफ बैराजेस। टू बैराजेस जो हैं वो पाकिस्तान के कौन कौन से हैं और कौन से रिवर पे हैं। ये कोई भी दो बैराजेस, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इंडस रिवर के ऊपर जो बैराजेस हैं जैसे जिना बैराज और सखर बैराज, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना सीख लें। दूसरा जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉटर एज अ रिसोर्स। अब किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस हमने जो है वो लर्न करनी है। एग्रीकल्चरल सप्लाई, यानी एग्रीकल्चर फील्ड को जो वाटर है हाउ इट इज बीइंग सप्लाइड। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस आर ऑब्टेन्ड। अब ये तीन वर्ड याद रखने हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, देन मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, वाटर कैसे जो है वो हम लोग सप्लाई ले रहे हैं, किस तरीके से हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मेंटेनेंस और कंट्रोल जो है ये वाटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोग उसको स्टडी करते हैं बेसिकली। अच्छा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वाटर शॉर्टेज एंड इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में हमने इंडिया के साथ उसको किया था, साइन किया था। अगला जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट। ये कमांड वर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन का कमांड वर्ड 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए यूज होता है मोस्टली, 3 मार्क का क्वेश्चन भी इस कमांड वर्ड के साथ आ सकता है, और इवेल्युएट का जो है वो मोस्टली आपका 6 मार्क क्वेश्चन के साथ जो कंपैरेटिव एनालिटिकल क्वेश्चन होता है उसके लिए यूज होता है। आगे किस चीज के लिए आपने जो है एक्सप्लेन और इवेल्युएट को याद रखना है, एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट द कॉजेस ऑफ द सॉल्यूशंस, सॉरी causes and solutions to the problems of water supply। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल वाटर सप्लाई, ये केनाल के थ्रू हम एग्रीकल्चरल वाटर सप्लाई ले रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हमें उस प्रॉब्लम की कॉज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लॉगिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, और ये वाटर की एक्सेसिव वाटर की वजह से ही होता है। जब लैंड जो है वो उसका वाटर टेबल सरफेस के ऊपर आ जाता है और वाटर सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाता है, उसको हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। उसकी कॉज क्या है और उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा सिल्टेशन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा जो है वो वाटर रिसोर्स का प्रॉब्लम है। जो सिल्टेशन जो है बेसिकली सिल्ट से निकला है वर्ल्ड, ठीक है। सिल्ट का मतलब ये रेत मट्टी होती है जो पानी के अंदर जो है वो इरोड होके आ रही होती है फॉरेस्ट रीजन से या किसी भी जगह से, जब पानी गुजरता है तो उसके साथ बहुत बड़ी एक अमाउंट ऑफ सिल्ट भी आ रही होती है। तो वो पानी जहां जहां से गुजरता है, जब हम वाटर स्टोरेजेस बनाई हुई है या केनाल्स बनाई हुई है ना, उनके बॉटम में वो सिल्ट इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ द सिल्ट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज जो है वो सिल्टेशन कहलाती है। तो सिल्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर डैम के अंदर सिल्ट इकट्ठी होनी शुरू हो जाए तो टाइम विल कम जो आपका जो डैम है वो सिल्ट से ही भर जाएगा, और उसके अंदर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है और अल्टीमेटली उस वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो सिल्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर इन पाकिस्तान।
अच्छा वाटर लॉगिंग सिल्टेशन, और उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सिलेबस का हिस्सा है, दैट इज सरफेस वाटर पोल्यूशन। हम इंडस्ट्री में वाटर यूज करते हैं, हम घर के अंदर डोमेस्टिक यूज करते हैं वाटर का, तो उस एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स हैं उनके अंदर हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिससे पानी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल जो है वो एड अप हो जाता है, तो वो पानी पल्यूट हो जाता है, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर पल्यूशन। और इसी पानी में फिर एक्वेटिक लाइफ जो है वो, जैसे फिश है, फिश कैच हम करते हैं उस फिश के जरिए, फिर वो एक हमारे लिए हेल्थ हैजर्ड बन जाता है। इसी तरह से जो वेजिटेबल्स उस वाटर से ग्रो की जाती हैं, वो उस जो पल्यूटेड वाटर है उसके थ्रू वो भी एक हेल्थ हैजर्ड बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, वो है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। और लिखा तो नहीं हुआ यहां पे, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमारी इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका एक मेजर पोर्शन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन इरीगेशन, और इरीगेशन ऑब्वियसली वाटर सप्लाई को हम बोलते हैं। सो वाटर की वजह से हमारी एग्रीकल्चर चलती है, एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमी चल रही है, और हमारी मेजर इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। सो अगर वाटर सप्लाई शॉर्ट होगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारी शॉर्ट होगी, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शॉर्ट होगी तो अल्टीमेटली उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जैसे कॉटन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी हिट होगी, शुगर मिल्स हैं, शुगर केन अगर कम होगा तो हमारी शुगर मिल्स के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, इसी तरह से राइस मिल्स हैं, वीट प्रोसेसिंग मिल्स या फ्लोर मिल्स जिसको हम बोलते हैं वो हैं, तो इस तरह से हमारी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो भी हिट होगी। लास्ट पॉइंट है एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट हाउ वाटर सप्लाई इश्यूज कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी ये वन बाई वन इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये आपका सिलेबस कॉन्टेंट है। अब जो आपकी वाटर सप्लाईज हैं, एग्रीकल्चरल वाटर सप्लाईज आपके सिलेबस में, उनकी मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगा। सबसे पहले है आपका जो प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि पर्शियन व्हील है, ये पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। पर्शियन व्हील की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वाटर इज सप्लाइड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, और इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। देन आपका है शदफ। शदफ में ये पिक्चर आपके सामने शो हो रही है कि हाउ वाटर सप्लाई इज ऑब्टेन्ड एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर अगला जो है वो है आपके पास जो ट्यूबवेल आप लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स के ऊपर, हाउ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये इससे रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए अपने पेपर की अच्छी रिवीजन के लिए। अच्छा अब हम लोग वापस चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे, मंगला तरबेला वारसक डैम्स एंड जना बिराज एंड सखर बिराज, ये मैप आपके सामने शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मार्क कर लेंगे किस किस जगह पे है, और आउटलाइन मैप के ऊपर उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, उसके बाद वाटर सोर्स का यूसेज, सबसे बड़ा जो वाटर का यूसेज है हमारा वो एग्रीकल्चरल फील्ड में है। ठीक है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर हमारा यूज करता है, जो रिवर्स के थ्रू आ रहा है, फिर हम उसको केनाल्स के थ्रू आगे सप्लाई करते हैं। केनाल्स की फिर आगे टाइप्स हैं। ठीक है, एक होती है पेरिनियल केनाल, जिसको हम लिंक केनाल भी बोलते हैं, परमानेंट केनाल्स हैं। पेरिनियल परमानेंट आप याद रखें कि मिलते जुलते वर्ड है, पेरिनियल केनाल्स आर परमानेंट केनाल्स, थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो करती हैं। फिर उन केनाल से आगे जो है वो सब वाटर चैनल्स जो है बनते जाते हैं, और वो वाटर चैनल्स से के थ्रू पानी जो है हमारा काफी ज्यादा वेस्ट भी होता है, और उस वेस्ट को बचाने के लिए हम लोग उसके अंदर गेट्स लगा सकते हैं, हम लोग सीमेंटेड वॉल्स बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट्स उसकी बना सकते हैं सीमेंट के साथ। लेकिन अगेन फिर उसके लिए हमें फंड चाहिए, तो पाकिस्तान में लैक ऑफ फंड है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए पाकिस्तान में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो ये वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब जो हमारी इंडस्ट्रियल सप्लाई है उसमें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल सप्लाई में बहुत ज्यादा होती है, और वाटर वेस्ट होता है उससे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स या वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स जो है उनको इंडस्ट्री के साथ इंस्टॉल करें। ठीक है, फिर इसी तरह से जो डोमेस्टिक सप्लाई है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये है, जो हमारा टैप वाटर वासा के थ्रू, वासा ये याद रखें रेफरेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, वाटर एंड सीवरेज या सैनिटेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये वासा का जो डिपार्टमेंट है ये आपको वाटर सप्लाई करता है टैप्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू। ये पाइपलाइंस जो है ब्रोकन हो सकती हैं, जिससे पानी जो है हमारा वेस्ट होता है। इसके अलावा हमारी जो वाटर सप्लाई जो यूज्ड
जो सीवरेज वाटर है वापस जाता है, तो वो हमारी इन पाइपलाइंस के साथ मिक्सअप होकर वाटर को पोल्यूट कर सकता है। अगर ब्रोकन हो, कहीं से लीकेज हो, तो ये हमारे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग अच्छी क्वालिटी की वाटर सप्लाई जो है यूज कर सकते हैं, या उनको प्रॉपर टैप कर सकते हैं, या उनको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन वाला है वो है वाटर लॉगिंग की। हम बात कर रहे थे जहां पे भी बड़ी केनाल्स या रिवर्स है उसकी जो साइड वाला एरिया है वहां पे वाटर सीपेज की वजह से वाटर जो है वो केनाल्स या रिवर की वॉल्स में सीप इन होता है और साइड वाली जमीन पे वो बाहर आना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तकरीबन 20 मिलियन एकड़ जो है पाकिस्तान में दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग अगर प्रॉपर एम्बैकमेंट्स बनाएं, लाइनिंग ऑफ केनाल्स कर दें, लाइनिंग का मतलब होता है सीमेंट और ब्रिक्स लगा के प्रॉपर उसको जो है वो पक्का कर दें ताकि पानी जो है सीप इन ना हो, सीमेंटेड केनाल्स उसको बोलते हैं, सीमेंटेड उसके जो बैंक्स हैं वो बना दें, ये हम उसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर लॉगिंग के लिए एक चीज है, ट्यूबवेल इंस्टॉल कर देते हैं उस लैंड में ताकि अंडरग्राउंड वाटर वो सारा जो है ट्यूबवेल बाहर जो है वो सकअप कर ले और उससे उसी वाटर से ऊपर जो सैलिनिटी की लेयर होती है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड, एक टर्म मैंने बोली आपके सामने, सैलिनिटी। जब वाटर टेबल राइज अप कर रहा होता है तो उसके साथ मिनरल्स भी एडअप होते हैं, तो वो वाटर जब बाहर आ जाता है तो वाटर जो है वो तो वाटर वेपर बन के हवा के साथ भाग जाता है लेकिन मिनरल्स को पीछे छोड़ जाता है, तो वो जो वाइट लेयर ऑफ द मिनरल जमीन के ऊपर रह जाती है, जो कंसेंट्रेटेड मिनरल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। तो उसके लिए हम लोग जो है वो ये ट्यूबवेल का पानी जब हम निकाल के ऊपर उसको फेंकेंगे जमीन पे तो वॉश आउट हो जाएंगे। और सेकेंडली हम लोग यूकलिप्टस ट्रीज जो वहां पे लगाते हैं, इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है जिसको बोलते हैं स्कार्प, यानी सेलेनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, सेलेनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट स्कार्प। ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इससे लैंड को रिक्लेम किया जा रहा है, यानी दोबारा से रिहैबिलिटेशन उसकी हो रही है, हम उसको यूजेबल बना रहे हैं जो हमारी डिस्ट्रॉयड लैंड है। ठीक है, वॉटर कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे अभी आप मैप के ऊपर देख रहे हैं थ्री रिवर्स जो हैं वो, वैसे तो सारे रिवर्स जो हैं वो इंडियन साइड से आ रहे हैं क्योंकि कश्मीर के ऊपर भी इंडिया का ऑक्यूपेशन है, तो जो तीन रिवर्स हैं वो हमने एग्रीमेंट किया है कि उनका पानी इंडिया यूज करेगा और तीन रिवर्स का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। इंडस, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में है, रावी, ब्यास और सतलुज ये इंडिया के हिस्से में है। 1960 में ये ट्रीटी हमारी साइन हुई थी, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है इसको वायोलेट कर रहा है और उस वायोलेशन में वो बगलेहार डैम और किशन गंगा डैम जो है वो हमारे जो इंडस जेहलम रिवर्स हैं, जो चनाब रिवर है उसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बना चुका हुआ है अब तो। तो ये हमारे लिए एक वाटर कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से वॉर का हमेशा हमें थ्रेट रहता है इंडिया के साथ। इसी तरह से इन साइड द पाकिस्तान प्रोविंसेस के अंदर वाटर कॉन्फ्लिक्ट है जिसके लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई हुई है इरसा के नाम से, IRSA, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जो ये चेक एंड बैलेंस रखती है कि हर सूबे को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पानी है वो मिलता रहे। तो ये है वाटर मैनेजमेंट हमारी। अच्छा, इसके अलावा हमने चैप्टर क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ड्राउट्स जो जहां पे हमारे वाटर शॉर्टेजेस हैं, ड्राउटेड एरियाज हैं, वहां पे हम लोग फ्लड केनाल्स बना सकते हैं, वाटर स्टोरेजेस बना सकते हैं, स्मॉल डैम्स बना सकते हैं ताकि जब समर सीजन में ज्यादा पानी आए तो हम वहां पे उसको स्टोर कर लें। इसी तरह से हम लोग जो हमारी वाटर मैनेजमेंट है उसमें क्या कर सकते हैं कि जो केनाल्स हैं उनको उन एरियाज की तरफ डायरेक्ट कर दें, डाइवर्ट कर दें जहां पे पानी की जरूरत है उसको, उसके ऊपर जाहिर है यहां पे भी लैक ऑफ फंड्स है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ते हैं। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स जो है वो याद कर लिए हैं और डेफिनेटली इस वीडियो से आप लोगों को जो फायदा पहुंचा है वो उससे आपने शेयर भी करना है लोगों के साथ, और मैं अपील करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे फायदा ले सकें। तो वाटर रिसोर्सेज के साथ ये वीडियो जो यहाँ पे एंड होती है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा और अगली मेरी वीडियो होगी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।